एग्जिस्टेंस करप्ट है। उसने फिर से बेसुरा गाना शुरू कर दिया। सांस लो, मैं शांत हूँ। कोबरा स्ट्राइक, मेरी स्ट्रिंग्स टूटने वाली थी। तुम पागल हो क्या सिस्टर, मेरा सुंदर डिजाइन तोड़ डाला। तुम्हें मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। मिलते हैं, मैं शांति से पढ़ूंगी। उप्स, आहा, कर्मा ने अपना कमाल दिखाया। मेरे कामों में अपनी शातिर नाक मत घुसाओ। ये क्या कर रही हो गर्ल्स, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारे अंदर फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए। जब तक एक साथ रहना नहीं सीख जाती, यहाँ दीवार नहीं बनेगी। लगता है हम पर मुसीबत आ गिरी, सब तुम्हारी वजह से है। ये लो, वैसे भी मेरा हिस्सा तुमसे बेहतर है। देखते हैं, चलो डरावना सोफा बनाना शुरू करें। शुक्र है डैड ने टूल बॉक्स लॉक नहीं किया। मुझे स्क्रू ड्राइवर की अजीब आवाज सुननी होगी। मेरा मन पसंद कलर, सब्र खत्म हो रहा है। ये पकड़ो, उसे तंग करने का तरीका सोचना होगा। इन ब्लॉक्स को कुछ अलग और सुंदर चीज में बदलते हैं। अब कैरल की क्रिएटिविटी का वक्त है। मैं बताऊंगी यहाँ सबसे ज्यादा मेहनती कौन है। मेरे फ्यूचर बेड के लिए अच्छी अच्छी लकड़ियाँ। चलो अपना कमाल दिखाओ लिटिल स्क्रू। और गहरा, मुझे मेगा रिलायबल डिजाइन चाहिए। हर साइड पर डार्क फैब्रिक लगाते हैं। काफी ज्यादा कूल लग रहा है। पेंट का काम भी बहुत जरूरी है, टीवी में तो ऐसा ही कहते हैं। चलो चेक करें, प्रोसेस शुरू हो गया। मेरी स्पीड तेज हो गई है। कलरिंग सच में एंटी स्ट्रेस का काम होता है। प्योरिटी, शांति और लाइट का शेड, बिल्कुल जैसी मैं हूँ। पहली स्टेज पूरी हो गई, चलो आगे बढ़े। कुछ लोडर्स की जरूरत थी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हूँ। अपने रॉयल बेड को थोड़ा आरामदायक बनाते हैं। फेदर से भी हल्का और बादलों से भी सॉफ्ट ब्लैंकेट। इससे याद आया, मुझे बादल की शेप का हेडबोर्ड बनाना है। तो पहले मार्कर से ड्रॉ करना होगा, फिर ध्यान से काटना होगा लाइन के कर्व्स के हिसाब से। जो शेप चाहिए थी वो तैयार है। अब मैं इस पर स्नो व्हाइट पेंट करूंगी, क्योंकि मेरे कमरे में साफ बादल होने चाहिए। हमें पेंट के कुछ कोट लगाने होंगे, पर मुझे अपनी चिड़चिड़ी बहन के लिए पैसे नहीं बचाने हैं। सही कहा ना, हम बादल के सूखने का इंतजार करेंगे और फिर इसे और सुंदर बनाने के लिए एलईडी टेप चिपकानी शुरू करेंगे। थोड़ा घुमाएंगे, फिर कॉटन बॉल्स पर सिलिकॉन ग्लू लगाकर उसे सारी टेप पर चिपका देंगे। हमें बहुत कम ग्लू की जरूरत है। इसे अच्छे से चिपकाने के लिए थोड़ा दबाएं। कितना फ्लफी हेडबोर्ड है, इसे बिजली से जोड़ना होगा। अचानक से जादू हुआ, बहुत सुंदर। अब आराम से अपनी डायरी लिखूंगी। स्वर्ग जैसा आराम, उसकी जगह पर बहुत शांति है। बचाओ, बाहर के लोगों का आना मना है, समझी? मुझे बचाओ किसी में से। मैं बहुत घबरा गई थी। अपने आरामदायक नेस्ट में हम खतरे से बाहर है। शांत हो जाओ बेबी, मेरी बुरी बहन अपना ही वक्त बर्बाद कर रही है। चलो आज खाली दीवारों पर तबाही आ जाएगी। सबसे पहले सही डेकोरेशंस के बारे में सोचना होगा। मैं मार्कर से दो स्टेंसिल्स बनाऊंगी, डिजाइन बहुत बेहतरीन होगा। अब अपने मास्टर पीसेस के लिए इन पार्ट्स को काटते हैं। कोशिश करूंगी मुझे चोट ना आए। यूटिलिटी नाइफ बहुत तेज होता है। बैड गर्ल का डेकोर शुरू हो रहा है। वोला, चलो पेंट करें। मैं एक छोटे रोलर से ड्रॉइंग्स बनाऊंगी। इसके शरारती किनारों को एडहेसिव टेप से चिपका देंगे, ताकि हम आराम से वॉल पेंटिंग कर सके। चलो हर कोने में कलर करेंगे, बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा। और मेरा अंदाजा सही था। अभी क्या कर रही है, डरावना लग रहा है। ओह, मेरी कमर, इससे काम बन जाएगा। मेरे आधे रूम में कूल रेनबो निकलता हुआ दिखेगा।
उसे बनाने के लिए हम एक्वा फिटनेस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा पेंट स्पंज से ज्यादा अच्छे तरीके से लगेगा, एक भी मिलीमीटर नहीं रहना चाहिए। मैं अच्छे अच्छे रंगों के साथ साथ एक्वा नूडल्स को डेकोरेट करूंगी। देखो, हर यूनिकॉर्न को बहुत पसंद आएगा। देखो और सीखो क्वीन ऑफ स्पेड्स। चलो इन्हें एक एक करके लगा देंगे। यहाँ लगेंगे मेरे मैजिक नूडल्स, बहुत खूबसूरत, अच्छे से चिपक गए। छिप छिप कर जलो रूलर ऑफ डार्कनेस। और दूसरा क्लाउड इस जगह पर लगेगा। आज मैं बहुत इन्वेंटिव मूड में हूँ। तुम्हारे पास कौन सी अच्छी चीजें हैं वैम्पायर? रॉकर की उसी के घर में बेइज्जती करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मेरे पास एक आइडिया है, इस क्राफ्ट से मेरी पर्सनालिटी खुलकर दिखेगी और सब डर जाएंगे। आंखें और मुंह की शेप काटे और व्हाइट मार्कर से उसकी आउटलाइन बनाए। मुझे अभी से अच्छा लग रहा है, अच्छा कॉन्ट्रास्ट है ना? इससे किसी की याद आती है। बस कुछ मिनट और एक घोस्ट का चेहरा बनकर तैयार हो गया। इसे मिस मत करना, मैं आपको कुछ मजेदार दिखाऊंगी। डबल टेप के बारे में नहीं सोचा था, इससे घोस्ट और असली लगेगा। उन हॉरर एक्सप्रेशंस को एक वाइट शीट पर लगा दे। वायर फ्रेम इंतजार कर रहा है, चलो इसे अच्छे से लगाएं। सबको डराना है, खासकर उस पढ़ाकू कैरल को। और अब एक और खतरनाक चीज देखे, स्पंज पर ब्लैक पेंट लगाया जा रहा है। प्री कट स्टेंसिल पर पेंट लगाए। आपको मेरी स्पाइडर पसंद आई? हाँ, मेहनत खराब नहीं गई, बोर्ड बदल गया। मेरा रूम चेन से भरा है, रात में विंग्स पर उड़ रही हूँ। हमारी पढ़ाकू क्या कर रही है? डियर डायरी, मैं एक अच्छी डिजाइनर हूँ। उस काउंटेस ऑफ ट्वाइलाइट ने नई चीज बना ली, पर मेरे आइडिया से उसे दिख जाएगा बॉस कौन है। ऐसे साइज के चार वुडन ब्लॉक्स ले, सब में ध्यान से छेद करें। इस जगह को साथ साथ साफ भी करते जाएं। बार्स के साइड में हम छोटे छोटे नॉचेस बनाएंगे। ध्यान से देखें, हमारा एंटरटेनमेंट बनने वाला है। छोटे छोटे सिलेंडर्स लगाएं, इनकी मदद से सीट पक्की रहेगी। अब इसे जोड़ते हैं, हैमर की मदद से ये स्ट्रक्चर कभी टूटेगा नहीं। बार्स पर एक सॉफ्ट रोप लगाएं। क्रॉस करके बांधने के बाद मैं बचा हुआ वुड का पीस लगा दूंगी। बार्स पर स्क्रू लगा दे ताकि निकल ना सके, सेफ्टी जरूरी है ना? रोप के किनारे अच्छे से बांधे और हाँ, बचा हुआ काट दे। देखने से पता लग गया होगा कौन सा हिस्सा फ्रंट है। साइड के होल से रस्सी अंदर डाले, स्ट्रॉन्ग नॉट्स बांधे, इमरजेंसी लैंडिंग में काम आएगी। अब लटकाते हैं, सेफ लग रहा है। अभी टेस्ट करते हैं, बैठो, कूल, चलो झूले। ये देखो आप, कैरल एक कमाल की क्राफ्ट वुमन है। प्रैंक्स किए बिना एक घंटा बीत गया, अभी कुछ करती हूँ। क्यूबॉइड कितना फनी वर्ड है, मुझे याद रखकर अपने दोस्तों को बताना चाहिए। अब तुम्हें अपना कमाल दिखाना होगा कैस्पर। एलियंस गिरते हुए देखकर बहुत मजा आया, तुम ऐसी ट्रिक्स के साथ सर्कस में परफॉर्म कर सकती हो। मैं अपने लिए एक शेक बनाऊंगी, चीजें तो मेरे पास पहले से है। मैं इस बिल्डिंग को विगवॉर्म ऑफ ब्लैक मेलनकोली का नाम दूंगी। शाइनी रूफ बनाते हैं और नतीजे से सिर्फ निराशा मिली। मुझे शांति से पढ़ने के लिए एक अलग हट बनाना है, या उसे फुला लेते हैं, बस साथ में खुद ना उड़ जाऊं। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। हे मेहनती बिल्डर, मैं माफी मांगने आई हूँ। मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अभी तुमने मुझे माफ कर दिया, गले लग जाओ। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। झूले बनाने का आइडिया अच्छा था, है ना? वाओ बच्चों, तुम तो मिलजुल कर रही हो,
तो क्या मैं दोबारा पार्टीशन बना दूं? हमें अब दीवार की जरूरत नहीं है डैड, हमारी दोस्ती हो गई है। मेरी प्यारी बेटियाँ, आपका अपने भाई बहनों के साथ कैसा रिश्ता है? कमेंट्स में बताएं। बाय।